नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आपको बताते चलें कि लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है, और साथ ही आपको बताते चलें कि वहीं प्रदेश सरकार और प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा के लिए इंतजाम में जुटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के यात्रा ऑफिस पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो गई है, और जिसको लेकर लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ आए दिन बढ़ती जा रही है, और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और सीएम धामी ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि मौके स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं से उनका हालचाल जाना, और किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल भी पूछे हैं। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है और श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे, और इसी कड़ी में सीएम ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूसीसी के नए प्रावधान जल्द होंगे लागू। साल के अंत तक लागू हो सकते हैं नियम। लिव इन, विवाह और अन रजिस्ट्रेशन भी होंगे ऑनलाइन। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर लिव इन में रहने वालों की बनेगी ऑनलाइन लिस्ट, साथ ही शादी और तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर देहरादून से, जहां पर लिव इन में रहने वालों के लिए बनेगी ऑनलाइन लिस्ट, शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी, रजिस्ट्रेशन ना करने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान। यूसीसी के नए प्रावधान जल्द ही लागू होंगे, साल के अंत तक लागू हो सकते हैं ये नियम। लिव इन, विवाह और रजिस्ट्रेशन होंगे ऑनलाइन, शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर रजिस्ट्रेशन ना कराने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यूसीसी के नए प्रावधान भी अब जल्द लागू होंगे, साल के अंत तक लागू हो सकते हैं पूरे नियम। लिव इन, विवाह और रजिस्ट्रेशन होंगे ऑनलाइन, शादी और तलाक का जरूरी है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ना करने पर सजा की भी जो गुंजाइश है वो बनी हुई है। और आपको बताते चले कि साल के अंत तक सभी नियम जो हैं वो लागू हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर सवाल उठाए, सवालों पर पलटवार किया गया। और रमेश, आपको बताते चले कि कमलेश रमन का भी कहना है कि सरकार चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और इसके बावजूद भी कांग्रेस का सरकार पर आरोप लगाना गलत है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा पर कांग्रेस लगातार सियासत कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का भी पलटवार है, सरकार सभी कोशिश भी कर रही है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और कई तरह की असुविधा भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र की सरकार पर और साथ ही राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। चारधाम यात्रा पर कांग्रेस सियासत करे, जिसको लेकर आपको बताते चले कि बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के पास ना ही तो कहने के लिए कुछ है और ना ही करने के लिए कुछ है, और कांग्रेस की बात का जवाब मैं हूं भी क्यों, क्योंकि हम जनता की जवाबदेही पर हैं और जनता को जवाब देंगे इस चीज का। रही बात यात्रा को रोकने की, जिसका आरोप कांग्रेस के तथा कथित जो हमारे प्रवक्ता जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें यात्रा के बारे में यह भी मालूम नहीं है कि इतना जो श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहा है इस प्रदेश के अंदर, यहां इस प्रदेश के अंदर जो हमारी तीर्थ नगरी है, जिसमें केदार बाबा, बद्रीधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री तमाम इन जगहों को यात्रा के रूप में देखते हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है कि तादाद में यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक चुनौती है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको यात्रा सुगम हो, सही तरीके से उनको व्यवस्थाएं मिले, उनको जितनी हमारी स्वास्थ्य संबंधित खाद्य सामग्री मिले, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी चुनौती तो है, लेकिन सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही संजीदा है और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी तमाम वहाँ पर लगे हैं, राधा रतूड़ी जी स्वयं अधिकारियों से वार्ता कर रही है, ऋषिकेश से लेकर तमाम केदारधाम बद्रीनाथ तक। पर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को इसमें कुछ कमियां नजर आती है तो मुझे लगता है कि उनके अपने चश्मे को साफ करा लेना चाहिए, क्योंकि उनके चश्मे में धूल बहुत जम चुकी है।
बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंचे और इस दौरान ऋषभ की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी है। ऋषभ ने सिविल लाइन्स स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद गंगा घाट पर दिए जलाकर गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बताते चले कि बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान ने बताया कि वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर खासा उत्साह है और जिसमें वे आज रुड़की पहुंचे हैं और उन्होंने महादेव का आशीर्वाद भी लिया है। वासियों का और कई टेलीफोन आ रहे हैं सुबह से, इतना प्यार मिला है इसको, सब कितने लोगों ने यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है खड़े होने की। अगर आप इधर गंगा के दूसरे किनारे देखोगे वहां भी खड़े होकर लोग आप देख रहे हैं और रुड़की से सब ने हमारे परिवार वाले रुड़की हमारा परिवार ही है, सब ने उनको आशीर्वाद दिया है और उसके ऊपर भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है, हमारा सबका आशीर्वाद। मैं चाहूंगा कि आप भी घर में जब काम बड़ा करते हैं अच्छा काम होता है तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए, जैसे आशीर्वाद लेने आया कोई भी चीज बड़ी आप स्टार्ट करते हैं चाहे आप हो चाहे हम भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, बस उसी के लिए आया अभी मेरा अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और वो शुरू हुआ तो शूटिंग के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा, तो मेरा मन था कि वो स्टार्ट हो उससे पहले मैं अपने शहर में हूँ हमारे में आशीर्वाद। रुड़की हमारे बॉम्बे में नहीं पूरी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा क्योंकि हमारे रुड़की का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है, तो रुड़की जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी हो गया है और मैं चाहती हूँ रुड़की को हर बंदा हर बच्चा और हर जगह पे पहचान बन रही है उसकी, तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। एक संदेश एज अ प्रिंसिपल मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एक मुकाम दीजिए, उन्हें कभी भी रोकिए मत, उनके ड्रीम्स को फैलने दीजिए, उनके को फैलने दीजिए, उनको रोकिए मत, अगर वो पैशनेट है अपने ड्रीम को लेकर के उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए, क्योंकि फैमिली के बिना बच्चा कुछ नहीं कर सकता। हरिद्वार जिले के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बीएचईएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है और साथ ही सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी जांची और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने स्ट्रांग रूम का भी पूरा जायजा लिया, साथ ही निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी और साथ ही वॉच टावर और सुरक्षा गार्ड भी जानकारी ली है। आपको बताते चलें कि एसएसपी ने एक्शन मोड में है, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का भी पूरा जायजा लेते हुए नजर आए हैं। दरअसल एसएसपी स्ट्रांग रूम पहुंचे थे जहां पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि हरिद्वार से हैं जहाँ पर स्ट्रांग रूम पहुँचे हुए थे और साथ ही लोगों से भी वहाँ पर आपको बताते चले कि ईवीएम को देखरेख के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेते हुए भी वो नजर आए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है और उसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रहेगी और साथ ही कमेटी का भी गठन किया गया है और जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं, चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है, तो जो यहाँ पर
जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभाग लगातार मॉनिटरिंग के साथ में स्थलीय निरीक्षण भी कर रहा है और वहीं शहरी विकास विभाग भी सफाई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी जिले के दो दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पर गए संयुक्त निर्देशक विनोद कुमार ने जिले में निकायों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कूड़ा निस्तारण के बेहतर प्रबंधन की सराहना की है। वहीं उन्होंने गंगोत्री में जाकर नगर पंचायत का भी स्थलीय निरीक्षण किया और उसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठकर सफाई व्यवस्था की जानकारी भी ली है। में एक अभिनव प्रयोग इस बार किया गया है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिस कारण जो ऑर्गेनिक जितना भी वेस्ट आता है वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ब्रिटकुल के सहयोग से एक ऑर्गेनिक कंपोस्टर जिसकी क्षमता है 2 मैट्रिक टन वो यहाँ पर लगाया गया है और ये इस तरह का प्रयोग अभी प्रदेश भर में पहली जगह हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जितना भी ऑर्गेनिक यहाँ पर वेस्ट आएगा उसको ये डिकम्पोज करेगा। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने विकास नगर निवासी मुफ्ती पर उसके माता पिता का धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। युवक ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि धन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया, तो वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रानीपुर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। आपको बताते चलें कि धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला हरिद्वार का है जहां पर युवक ने न्याय की गुहार लगाई है और थाने पहुंचकर मुकदमा भी दर्ज कराया है। दरअसल आपको बताते चले कि पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, जिसको लेकर एक युवक ने अब आवाज ऊंची की है। हरिद्वार में स्नोपैक कंपनी में बड़ा हादसा हो गया है। कंपनी में मॉडलिंग मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। युवक दोनों पतल बनाने वाली मशीन पर ऑपरेट था। साथ ही आपको बताते चलें कि ऑपरेटर का काम करता था। जानकारी के मुताबिक कंपनी मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव को अस्पताल भेज दिया। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। क्यों बुलाए? जब कोई आदमी का कुछ हो गया तो उसको पहले पोस्टमार्टम में लेते हैं। हमारे घर तक क्या होगा? दस मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगयाल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें से हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हुए हैं और उसकी जांच भी लगातार जारी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है जहाँ पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या पहुंच रही है, लेकिन हरिद्वार के स्थानीय जनता और तीर्थ यात्री इस भयंकर गर्मी में पानी की किल्लत के चलते परेशान हैं। और इसी परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के पंतद्वीप स्थित जल संस्थान के कार्यालय में, आपको बताते चले कि पहुंचकर ढोल बजाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया है। साथ ही जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया गया, जिस पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता मदन सेन का भी कहना है कि उनको अवगत कराया गया कि शहर के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या है, जिनको जल्द ही सुचारू रूप से सही कराया जाएगा और जिसके लिए कई टीमों को क्षेत्र में तैनात भी किया गया है। यात्रा सीजन चल रहा है हरिद्वार के अंदर और हर वर्ष ही यात्रा सीजन आता है। तमाम जो है हमारा हर छोटा बड़ा व्यापारी यात्रा सीजन के इंतजार में रहता है और पूरे देश प्रदेश से जो है तीर्थयात्रियों का जो है एक जत्था, एक जो है मेले के रूप में चारधाम यात्रा चल रही है। हरिद्वार का सीजन चल रहा है, लाखों यात्री जो है हरिद्वार में माँ गंगा का स्नान करने आ रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करने आ रहे हैं और ये सरकार जो कि जो है गंगा जी पे, मंदिरों पे और हिंदू धर्म की बात करके आई भी है। ये सभी प्रतिनिधिगण आए हैं, कांग्रेस या बीजेपी नहीं, ये सब जनता के प्रतिनिधि आए हैं, इनकी समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निदान किया जाएगा। वो मैंने नोट की है, इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये समस्या इसलिए क्योंकि बिजली की समस्या भी साथ साथ पैदा हुई ना, जब लो वोल्टेज है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से थोड़ा पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है। जनरेटर कुछ है हमारे पास, बाकी और की व्यवस्था करते हैं। 16 जनरेटर है हमारे पास लगे हैं ट्यूबवेल पे, बाकी और की डिमांड करते हैं, लगाते नहीं जाना। चारधाम यात्रा के सीजन के बीच में हर वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ हो रही है और हरिद्वार में धर्मनगरी आने वाले वाहनों की जबरदस्त भीड़ भी है। स्थानीय लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा सीजन के चलते देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। दिल्ली रूट से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु हरिद्वार होकर चारधाम यात्रा पर जाते हैं। हाईवे की एक साइड जो वाहन है वो रिंग रिंग कर चलते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ यातायात पूरी तरह से सामान्य है। मंगलौर नगर पालिका क्षेत्र में बनाई जा रही सड़क का नगर वासियों ने विरोध किया है। मामला मंगलौर आनंद मार्केट का है, जहां पर एक सड़क को बनाने का काम भी चल रहा। मार्केट में रहने वाले दुकानदारों की तरफ से बताया गया कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग भी किया गया है और इसके साथ ही मार्केट में रहने वाले दुकानदारों जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। वहीं ये निर्माण कार्य रात के अंधेरे में निरंतर रूप से चलाया जा रहा है, जिस पर कोई भी कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। बस एक काम में कंप्लेन आई भी है, जिसका मैंने खुद भी निरीक्षण किया है और जेई और एई को भी उसमें साइट में भेजा था, तो उसमें जो भी कमी है उसके लिए हमने अवर अभियंता को निर्देशित कर दिया गया है और ठेकेदार और जो वहाँ के वार्ड मेंबर होंगे वो अपनी देखरेख में करवाएंगे, ताकि जो भी कमी है, जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है उस चीज़ का निस्तारण कर दिया जाए। और दूसरी बात जो है, हमारे यहाँ जब भी निर्माण कार्य होते हैं तो जो भुगतान की प्रक्रिया है, भुगतान से पहले टेस्ट रिपोर्ट आती है, हमारे पास लैब की टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके बाद जब वो सेटिस्फाई आती है उसके बाद ही यहाँ से कार्य किया जाता है। उसमें बिल्कुल खत्म सड़क रहता देख रहा है, भी फटने शुरू हो गई हो, एक बारिश भी झेलने की नहीं हो। अभी परसों तरसों तीन चार दिन हुए, अभी तो आधी सड़क बनी भी नहीं, यो आधी बनी, आधी में देख लो क्या हाल हो। विरोध क्या करे जी, रात को सड़क बनावे में यूं नहीं पता लग रहा, 23 तसले वैसे डाल ले रहते, एक सीमेंट का डाल ले, बना रहे दिन में कोई भी नहीं बना रहा यहाँ से, देख लो तो आपके सामने क्या हाल हो रहा, गड्ढे हो गए सड़क में, तराई से वो बजरी निकल गई, इसकी सारी रेता निकल गया। पड़ा तो सड़क पहले थी, चौधरी साहब ने हमारे जो पहले चेयरमैन साहब थे उन्होंने ऐसी सड़क बनवा रखी थी, इससे बढ़िया वही सड़क थी, यहीं बैठ के बनवा गए थे मैं, और इतना बढ़िया जाल गिरवाया था सरिया का, बहुत बढ़िया, अब भी कहीं नहीं जावा थी वो सड़क, मगर इन्होंने उसे तो उस जेसीबी से टूटी भी नहीं वो सड़क, और यो बिल्कुल ख़त्म है, देख लो नहीं गड्ढे बन रहे सारी सड़क में, किसी की सुनने के नहीं। तो मतलब ये है, यहाँ को कम से कम 150 ट्रक जाते हैं भट्टे के, जिसमें भट्टे में लोड होती है इंटे, वो तो उसको 10 दिन में चंडी देने की, ये तो खत्म कर देगी। अच्छा 5-4 साल में ये काम हो रहा है जो है, अब ये काम होगा पता नहीं कब जाके काम होगा, ये
ये सड़क जल्दी टूट जाएगी, फिर यहाँ की जो मार्केट वाले वो बेचारे परेशान रहेंगे, फिर चेयरमैन को बुला भला कहेंगे, इधर उधर को बुला भला कहेंगे, तो इससे बेहतर तो ये है इससे काम ना करे। ये तो खामा खाई अपना जो है मिट्टी ला रहे और ये ला रहे और भराव कर रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके हिसाब से नहीं बनना, हम ये चाह रहे हैं रेसो के हिसाब से बने, इसकी जो है प्रशासन इसकी जाँच करे, इसको सड़क को अभी रुकवा कर इसको सही तरीके से बनवाए। मेरा तो ये कहना है कि अभी उफाड़ के दोबारा उफाड़ गया, मतलब सूचना दे चुके और व्हाट्सअप कॉलिंग भी कह सके, व्हाट्सअप भी भेज चुके हमने, स्टेशन दे रखा है। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो एस्टिमेट है इनका, एस्टिमेट के हिसाब से काम नहीं कर रहे लोग। मैं पीछे से रुकवाता आ रहा हूँ, अधिकारी को सूचना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अगर काम सही मांग रहा हूँ तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेंबर साहब पैसे मांग रहे हैं, ठीक है नहीं, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ठेकेदार हरपुरी हरामखोरिया कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम चला रखा। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत जो है वो की गई है। यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हरिद्वार के बाजार में बिकते हुए भी नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर कैदियों में बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम सीखने की ललक है। नया रोजगार मिलने से उन्हें न सिर्फ अच्छी आमदनी हो रही बल्कि जेल से छूटने के बाद रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये विगत माह पहले नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो है जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और आगे भी अगर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग यहाँ केक बनाएं, पिज्ज़ा बनाएं और बर्गर बनाएं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएं। हम 20 किलो मैदा गूंथते हैं तो हम 7.5 किलो चीनी यूज़ करते हैं और 1 किलो डालडा, 1 किलो रिफाइंड और अति ईस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको गूंथते हैं। गुनाई में फर्स्ट दफ़े हम 4 किलो चीनी लेते हैं और 200 ग्राम ईस्ट लेते हैं, 20 किलो मैदा। हम इसको आधा घंटा गूंदने के बाद इसको हम रख देते हैं 3 घंटे के लिए। हम 1 घंटा इसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद फिर हम इसकी 1 घंटा रेस्ट देते हैं। फिर रेस्ट देने के बाद इसकी पिचाई करते हैं। पिचाई करने के बाद हम इसकी पकाई करते हैं। इसी प्रकार से हमारा ये ओवन फिर पकाई के लिए यूज होता है सर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।